और ये सारा कुछ मान है। तो पहले मैं बताऊँ कि आपने मुझे फर्स्ट टाइम देखा होगा अपनी रेसिपीज की वीडियो में, और जो हम ये रेसिपियाँ बनाते हैं उसमें ज़्यादातर मेरी सारी मदद मेरी मामा करती है, और वॉइस मैं करती हूँ, और कैमरा मैन मेरा भाई है। तो अभी हम लोग अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये है 1 टीस्पून सॉल्ट, ये है खड़ा मसाला 1 टीस्पून, ये वो है बीफ पुलाव मसाला, ये 1 टीस्पून सूखा धनिया, और ये 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये कुछ ये 4 अदद टमाटोज हैं, और ये 2 अदद लेमन, और ये कुछ 2 ग्रीन चिलीज, और ये जो है ना 1 अदद हम लोगों ने टमाटर लिया था, 5-6 जवे हमने लहसुन के लिए थे, और अदरक लिया था उसकी ये पेस्ट, और ये कुछ अनियन है। तो आज तो अभी हम गाइस अभी हम लोग ये लिया, हम लोगों ने अपने ये ऑनियन है इसको हम लोगों ने करना। तो पहले हम लोग इसमें ऑयल डालेंगे, ये हम लोग सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं, हमने ये हमने आधा कटोरी इसमें लिया है। तो गाइस अब हम इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर हम इसको फिर भुनाई करेंगे 10 से 15 मिनट। तो फ्रेंड्स हम अब इसके अंदर सारा मसाला ऐड कर देंगे, तेज की भी थोड़ी खाने फ्रेंड्स हम लोगों ने अच्छी तरह इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको 5 से 10 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। तो फ्रेंड्स हमने इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर लिया, इस तरह से हमने भुनाई की थी, और अच्छी तरह हमारे वॉश को पहले से गला हुआ था, अब मसाले में अच्छी तरह हो चुका है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पहले साइड, और ये जर्दा रंग है इसको हमने पानी में करके ना आटे करके रख दिया था, और साइड पर हम लोगों ने चावल दिख करके रखे हैं। अगर हम तो ये वाला 1 बाउल लें ना, तो हम लोग 2 बाउल ये वाले वाटर लेते हैं, हम लोगों ने उसे आधे घंटे तक कुक करके रखा है। तो हम ये वाले 1.5 बाउल लेंगे, और 1.5 2 का बाउल लेंगे, और हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, ये चावल हैं, और ये चावलों का पानी, हम लोग चावल का पानी वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग इसे फेस वॉश भी कर सकते हैं, हेयर वॉश भी कर सकते हैं, आप उसको अपने पौधों को भी दे सकते हो, और इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसको जो लोग वेस्ट करते हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो इसको प्लीज़ वेस्ट ना करें, इसको अपने फ्रेंड्स ये हो चुके हैं। तो अगर आप दिल कर तो आप नमक चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम लोगों का तो ठीक है। तो अब हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे, ये आप मैंने पहले कहा था ये 1/2 किलो है, हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं, हम इसको मिक्स करेंगे। हम लोग इसको 10 मिनट के लिए कैप करके रख देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसको स्टीम पे लगा लेंगे, फ्रेंड्स हम इसको स्टीम पे लगा लेंगे। अब हम इसके नीचे एक दफा तवा रख लेंगे, इसके ऊपर हमने गार्निश किया ग्रीन चिली और लेमन, फिर हम इसमें जर्दा रंग डालेंगे, फिर हम इसको स्टीम पे रख देंगे। हमने इसको 10 मिनट के लिए स्टीम पे रखना है। तो गाइस ये हो गया है अच्छी तरह पक गया, अब हम इसका कैप उतारेंगे। वाओ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, अब देखने में इतना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। अब गाइस मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी क्या कैसा बना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि खाने में कितना डिलीशियस लग रहा है, तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कैसा होगा, तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। सो यम्मी गाइस, हमारी जो बॉडी है वो भी बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी है। अगर आप चावल बनाने से पहले अपनी जो गोश्त को 1/2 घंटे पहले हम रख दोगे तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा। और अगर आपको हमारी रेसिपी, फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, और आने वाली वीडियो आपके पास
जल्द आती रहे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, क्योंकि हमारे चैनल अभी डाउन जा रहे हैं। तो कैसे अभी आपको माई वीडियो, बाय।